हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के आकर्षक ब्लू सिटी जोधपुर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। ओम बन्ना टेम्पल से लेकर सरदार मार्केट, राय का बाग पैलेस, मोती महल तक। इस वीडियो में आप जोधपुर के 10 प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे, तो चलिए निकलते हैं। ओम बन्ना टेम्पल। जोधपुर के पास स्थित ओम बन्ना मंदिर यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच एक अनोखी श्रद्धा रखता है। 5 मई 1988 को ओम बन्ना यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पास की खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद सुबह स्थानीय पुलिस मोटरसाइकिल को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गई। अगले दिन ये बताया गया कि वो स्टेशन से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और घटनास्थल पर वापस पाई गई। पुलिस ने एक बार फिर मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। अगली सुबह ये फिर से गायब हो गई और दुर्घटनास्थल पर पाई गई। इसने इसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखने के पुलिस के हर प्रयास को विफल कर दिया। मोटरसाइकिल हमेशा सुबह होने से पहले उसी स्थान पर लौट आती थी। स्थानीय लोगों ने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा और वे बुलेट बाइक की पूजा करने लगे। चमत्कारिक मोटरसाइकिल की खबर आसपास के गांवों में फैल गई और बाद में उन्होंने इसकी पूजा करने के लिए एक मंदिर बनाया। इस मंदिर को बुलेट बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओम बन्ना की आत्मा यहाँ निवास करती है और संकटग्रस्त यात्रियों की मदद करती है। सरदार मार्केट। जोधपुर में क्लॉक टॉवर घंटा घर के पास स्थित सरदार मार्केट एक जीवंत और हलचल भरा बाजार है, जो शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अपनी भूल भुलैया गलियों और रंगीन स्टालों के साथ बाजार आगंतुकों के लिए एक संवेदी दावत प्रदान करता है, जिसमें पारंपरिक वस्त्रों और हस्तशिल्प से लेकर मसालों, आभूषणों और स्ट्रीट फूड व्यंजनों तक के सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित होती है। ऊर्जावान माहौल और हलचल भरी भीड़ के बीच सरदार मार्केट जोधपुर के दैनिक जीवन और व्यावसायिक भावना की एक प्रामाणिक झलक प्रदान करता है। शीश महल। जोधपुर में राजसी मेहरानगढ़ किले के भीतर स्थित शीश महल राजपूत वास्तुकला और शिल्प कौशल का एक शानदार उदाहरण है। पैलेस ऑफ मिरर्स में अनुवादित इस अलंकृत कक्ष में जटिल दर्पण का काम है, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है और एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाता है। नाजुक कांच की पच्चीकारी और जटिल नक्काशी से सजाया गया शीश महल शाही वैभव और समृद्धि का अनुभव कराता है। जब पर्यटक मेहरानगढ़ किले के भीतर इस वास्तुशिल्प रत्न की जटिल सुंदरता और उत्कृष्ट विवरण को देखते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिश्नोई विलेज टूर। जोधपुर के पास बिश्नोई ग्राम यात्रा ग्रामीण राजस्थान के देहाती आकर्षण और सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाती है। विशाल रेगिस्तानी विस्तार से घिरे विजिटर्स को बिश्नोई समुदाय के प्रकृति और उनके पारंपरिक जीवन शैली के साथ गहरे संबंध देखने को मिलता है। टिकाऊ प्रथाओं को देखने से लेकर पारंपरिक मिट्टी के घरों और हस्तशिल्प कार्यशालाओं की खोज तक, हर पहलू ग्रामीण राजस्थान के सार को दर्शाता है। ये दौरा बिश्नोई लोगों की कालातीत परंपराओं और विरासत में एक मनोरम अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो इसे सांस्कृतिक उत्साही लोगों के लिए एक अवश्य देखने लायक स्थान बनाता है। महामंदिर टेम्पल। जोधपुर में स्थित महामंदिर टेम्पल जटिल नक्काशी और उत्तम मूर्तियों से सुसज्जित एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार है। 19वीं सदी में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की भव्य संरचना और अलंकृत विवरण इसे जोधपुर के धार्मिक परिदृश्य में एक प्रमुख स्थल बनाते हैं। पर्यटक इसके शांत वातावरण और महामंदिर टेम्पल के पवित्र परिवेश के बीच भक्ति और चिंतन में डूबने के अवसर की ओर आकर्षित होते हैं। सरदार समंद लेक पैलेस। जोधपुर के शांत वातावरण के बीच स्थित सरदार समंद लेक पैलेस शाही वैभव से भरपूर एक सुरम्य स्थान है।
1930 के दशक में महाराजा उमेद सिंह द्वारा एक शिकार लॉज के रूप में निर्मित यह वास्तुशिल्प रत्न शांत सरदार समंद झील और इसके हरे भरे परिवेश का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। आज यह एक शानदार विरासत होटल के रूप में कार्य करता है, जो मेहमानों को झील महल की सेटिंग के शाश्वत आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए शाही आतिथ्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। सरदार सरकारी संग्रहालय। जोधपुर में सरदार राजकीय संग्रहालय ऐतिहासिक कलाकृतियों और सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। 1909 में स्थापित ये संग्रहालय प्राचीन मूर्तियों और हथियारों से लेकर वस्त्रों और पांडुलिपियों तक के विविध प्रदर्शनों का संग्रह प्रदर्शित करता है। पर्यटक क्षेत्र की शाही विरासत और कलात्मक विरासत को उजागर करने वाले प्रदर्शनों के साथ राजस्थान के समृद्ध इतिहास और परंपराओं में डूब सकते हैं। संग्रहालय जोधपुर के अतीत में एक मनोरम खिड़की के रूप में कार्य करता है, जो इसके सांस्कृतिक विकास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रानीसर पद्मसर दो कृत्रिम झीलें हैं जो जोधपुर के मध्य में मेहरांगढ़ किले के फतेह पोल प्रवेश द्वार के पास स्थित हैं। इन परस्पर जुड़ी झीलों का निर्माण 17वीं शताब्दी में सूखे के दौरान शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। रानीसर बड़ी झील का नाम रानी जसमादे हादी के नाम पर रखा गया था, जबकि पद्मसर का नाम महाराजा राव गंगा की पत्नी रानी पद्मिनी के नाम पर रखा गया था। हरी भरी हरियाली और ऐतिहासिक संरचनाओं से घिरी ये झीलें जोधपुर के हलचल भरे शहरी परिदृश्य के बीच विजिटर्स के लिए एक शांत और सुरम्य विश्राम प्रदान करती हैं। राय का बाग पैलेस। जोधपुर में स्थित राय का बाग पैलेस 17वीं शताब्दी का एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित यह उत्तम महल शाही परिवार के लिए एक आनंद उद्यान के रूप में कार्य करता था। जटिल नक्काशीदार पत्थर की जाली के काम और सुसज्जित मेहराबों से सुसज्जित ये राजसी सुंदरता और भव्यता का अनुभव कराता है। हरे भरे बगीचों और जल निकायों से घिरा राय का बाग पैलेस एक शांत स्थान प्रदान करता है। मोती महल। जोधपुर में मोती महल एक राजसी महल है जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित ये पल पैलेस जटिल दर्पण कार्य, रंगीन कांच की खिड़कियों और नाजुक ढंग से चित्रित दीवारों से सुसज्जित भव्य आंतरिक सज्जा का दावा करता है। शाही निवास के रूप में कार्यरत मोती महल जोधपुर के पूर्व शासकों की भव्यता और वैभव को दर्शाता है। आज ये शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो अपने शाही आकर्षण और शाश्वत सुंदरता से विजिटर्स को मंत्रमुग्ध कर देता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस सिटी की कोई जगह रह गई है तो कॉमेंट करें। हम अलग अलग सिटीज की फेमस प्लेसेस दिखाना और वीडियो बनाना जारी रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।